चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं टैली के अंदर एक्सपोर्ट कैसे करना, टैली के डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इट इज़ एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन एक शॉर्टकट है करंट, करंट का शॉर्टकट है कंट्रोल ई। यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा डेटा आएगा। तो आप लोगों को ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगरेशन एंड सेंड, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद जाने के बाद नीचे आना है, एरो से नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसका नाम है, इट इज़ अ फाइल फॉर्मेट। क्या नाम है? फाइल फॉर्मेट। ओके, सी दिस नाउ, ये देखो यहाँ पे ये था है नाम, इट इज़ अ फाइल फॉर्मेट। इस पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, आपको किस में कन्वर्ट करना है? मुझे कन्वर्ट करना है एक्सेल में। तो आपको एक्सेल को सिलेक्शन करना है, ध्यान से देखिए। ओके, एक्सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, ये आने के बाद आपको दो बार एस्केप करना है। क्या करना है? एस्केप। एस्केप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपका टैली का डाटा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सी दिस नाउ, ये रहा टैली डाटा एक्सपोर्ट। ये हमने टैली का डाटा एक्सेल में कन्वर्ट किया है बिल बना के। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।